नमस्कार साथियों आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल स्टडी राजस्थान 1000 के अंदर का स्वागत है आज की जो अपनी वीडियो होने वाली दोस्तों राजस्थान जीके से संबंधित है राजस्थान जीके में दोस्तों जितने ही पिछले एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछे गए उन क्वेश्चनों के बारे में अपन लगातार इस सीरीज में चर्चा कर रहे हैं और आज की वीडियो नंबर दोस्तों अपने 86 नंबर की वीडियो है ठीक है इससे पहले दोस्तों 85 वीडियो अपलोड कर दी जो कि आपको राजस्थान जी के प्रवेश के नाम से इसी नाम इसी चैनल के अंदर दोस्तों प्ले लिस्ट बनी हुई जहाँ पर सारी की सारी वीडियो मिल जाएगी और अपना टॉपिक के अंदर दोस्तों मारवाड़ के इतिहास से संबंधित मारवाड़ के इतिहास से संबंधित दो वीडियो मैंने पहले अपलोड कर दी है और ने कल्चर के बारे में जितने भी टॉपिक थे उनके बारे में डिस्कशन कर लिया है और अपन अभी हिस्ट्री में डिस्कशन कर रहे हैं गुजर प्रत्यारियों के बारे में चुके, देख चुके हैं मेवाड़ का इतिहास देख चुके हैं अभी मारवाड़ का इतिहास चल रहा है ठीक है तो वीडियो स्टार्ट करते हैं और देखते हैं दोस्तों आज का सबसे पहला क्वेश्चन कौन सा होने वाला लगभग पाँच या दस मिनट का वीडियो होगा छोटी सी वीडियो मेरे पास टाइम नहीं था इसकी वजह से छोटा सा वीडियो रिकॉर्ड कर पाया मैं तो दोस्तों वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक छोटा सा कोट है अपनी नज़र हमेशा उस चीज़ पर रखो जिसे तुम पाना चाहते हो उस पर नहीं जिसे तुम खो चुके हो याद रखना हमेशा आपका टारगेट आपका टारगेट ही आपके सामने होना चाहिए बाकी इसके अदर इसके अलावा और कुछ भी नहीं होना चाहिए जब आपका टारगेट केवल आपके सामने होगा तब आप निश्चित रूप से सफलता हासिल कर लोगे एक चीज़ और याद रखना अपन जब तक अपने टारगेट को नहीं पा लेते तब तक आपको एक तो ब्रह्मचार्य का पालन करना बहुत ही ज़रूरी है दोस्तों ये ब्रह्मचार्य का पालन आपके दिमाग को बहुत ही मजबूत बनाता है इसीलिए दोस्तों ब्रह्मचार्य का पालन बहुत ज़रूरी है और अपनी नज़र हमेशा अपने टारगेट पर रखना जिस जिसपे जिसे तुम खो चुके हो उस पर ध्यान नहीं देना बिल्कुल भी ये चीज़ें हमें हमेशा नुकसान देती है पास्ट का जो समय निकल गया वो हमेशा नुकसान ही देती है ठीक है तो वीडियो स्टार्ट करते हैं और देखते हैं दोस्तों आज का सबसे पहला क्वेश्चन कौन सा होने वाला है तो दोस्तों आज का सबसे पहला युद्ध युद्ध अपना मतलब की क्वेश्चन है खजवा युद्ध सोलह में हुआ था औरंगजेब के साथ किसने किया जो खजवा युद्ध है दोस्तों ये हुआ सोलह में औरंगजेब का साथ किसने दिया था तो यहाँ पे दोस्तों इनमें से ऑप्शन नंबर अपना राइट कौन सा हो जाएगा कि औरंगजेब का साथ देने वाला कौन सा शासक है तो खजवा युद्ध हुआ था दोस्तों पांच जनवरी सोलह को ठीक है पांच जनवरी सोलह को खजवा युद्ध हुआ था औरंगजेब और उसके भाई शाह सूजा के बीच में ठीक है सहा सूजा के बीच में सूजा जहाँ पे विजय कौन हुए थे औरंगजेब यहाँ पे विजय हुए थे और यहाँ पे साथ देने वाला कौन है दोस्तों जसवंत सिंह है ठीक है जसवंत सिंह प्रथम मारवाड़ का शासक ठीक है और ये मतलब जसवंत सिंह जो कि औरंगजेब की अधीनता स्वीकार कब कर लेता है तो यहाँ पे दोस्तों एक युद्ध और होता है सोलह के अंदर का ठीक है सोलह में औरंगजेब और उसके भाई के बीच में युद्ध होता है जहाँ पे दोस्तों औरंगजेब विजय होता है तो औरंगजेब विजय होने के बाद में दोस्तों जसवंत सिंह यहाँ पे इनकी संधि स्वीकार कर लेते हैं और सोलह का जो युद्ध होता है दोस्तों खजवा युद्ध जिसमें औरंगजेब का साथ देते हैं जसवंत सिंह ठीक है और जसवंत सिंह का जो मतलब कि मनसब देखते हैं दोस्तों औरंगजेब के द्वारा कितना मनसब दिया जाता है सात हजार का मनसब दिया जाता है ठीक है जसवंत सिंह को कितना मनसब दिया गया दोस्तों सात हज़ार का मनसब दिया गया औरंगजेब के द्वारा ठीक है और लास्ट में मतलब कि जब जसवंत सिंह की मृत्यु होती है तो औरंगजेब जसवंत सिंह के बारे में एक कथन कहते हैं कि आज कुफ्र का दरवाजा टूट गया यानी कि कुफ्र यानी कि धर्म विरोधी था जिसका मतलब कि धर्म विरोधी की मृत्यु होगी उसकी वजह से दोस्तों क्या हो गया एक कोपर का दरवाजा टूट गया ठीक है ये एक औरंगजेब का कथन था जसवंत सिंह के बारे में नेक्स्ट क्वेश्चन है 11 जून सोलह में औरंगजेब के बागी पुत्र अकबर को दुर्गादास किस मराठा सरदार के दरबार में कोकण साथ ले गए थे तो यहाँ पे दोस्तों 11 जून सोलह में औरंगजेब के एक बागी पुत्र था दोस्तों अकबर द्वितीय जो कि दुर्गादास दुर्गादास किस मराठा सरदार के दरबार में कोकण साथ ले गए थे तो ये दोस्तों महाराजा कौन सा हो जाएगा संभाजी ठीक है संभाजी के दरबार में लेके गए थे सोलह में और दोस्तों ये नाडोल के अंदर का दोस्तों अकबर है अकबर द्वितीय जो कि औरंगजेब का पुत्र था जिसने दोस्तों मतलब कि जो पूरा भारत है वहाँ का मतलब कि सम्राट घोषित कर दिया था ठीक है उसके बाद में कहाँ पे चले गए थे दोस्तों औरंगजेब के दरबार में और ये इससे पहले दोस्तों कहाँ पे गए थे तो ये गए थे दोस्तों मराठा सरदार संभाजी के मतलब के दरबार में गए थे दुर्गादास राठौड़ और अकबर ठीक है नेक्स्ट देखिए राठौड़ राजवंश की कुलदेवी का नाम बताइए तो राठौड़ राजवंश की जो कुलदेवी है इसकी बात करें दोस्तों अपना राइट आंसर क्या हो जाएगा ये दोस्तों है नागणेची माता ठीक है नागणेची माता दोस्तों है कहाँ पे नगा बाडमेर में ना ना बाडमेर में दोस्तों ये मतलब कि नागणेची माता है बाडमेर में और इसका जो प्रतीक चिन्ह है दोस्तों प्रतीक चिन्ह कौन कौन से हैं तो यहाँ पे दोस्तों इसको अपन बाज ठीक है एक तो बाज है बाज के अलावा दोस्तों चील भी कह सकते चील है ना चील बाज और एक सयन पक्षी ये जो पक्षी है दोस्तों सभी के सभी एक ही लगभग इनका मतलब कि जो दिखना एक शुभ माना जाता है मारवाड़ के अंतर्गत और ये नागणिची माता के प्रतीक माने जाते हैं और जो मतलब कि मारवाड़ रियासत थे उस समय मतलब कि जो रियासत के अंदर जो सिक्के चलते थे उनमें दोस्तों एक ये चिन्ह चलता था सयन नामक पक्षी का ठीक है सयन नामक पक्षी का अगला क्वेश्चन देखिए मारवाड़ के किस शासक का पालन पोषण गोराधाई ने किया था और मारवाड़ की पन्नाधाई भी कहा जाता है तो यहाँ पे दोस्तों मारवाड़ की पन्नाधाई के नाम से किसे जाना जाता है तो यह गोरा है दोस्तों गोराधाई ठीक है गोराधाई जिसको अपन मारवाड़ की पन्नाधाई के नाम से भी जानते हैं कारण क्या दोस्तों ये जो अपने मेवाड़ की जो पन्नाधाई है मेवाड़ की पन्नाधाई ने किसकी रक्षा की थी दोस्तों उदय सिंह की रक्षा की थी अपने पुत्र चंदन की बलि देकर और यहाँ पे जो गोराधाई है दोस्तों गोराधाई ने अपने पुत्र पुत्र को मतलब कि बलि देकर किसकी रक्षा की थी रतन सिंह की ठीक है सॉरी अजीत सिंह की अजीत सिंह की रक्षा की थी दोस्तों गोरादाय ने अपने पुत्र की बलि देकर ठीक है तो यहाँ पे अपना राइट आंसर क्या हो जाएगा किसका पालन पोषण करती थी दोस्तों मारवाड़ की पन्नादाई तो ये दोस्तों अजीत सिंह का पालन पोषण करती थी ठीक है अगला क्वेश्चन देखिए गोरादाई ने मारवाड़ की मारवाड़ की जान बचाई थी दोस्तों तो यहाँ पे मारवाड़ में दोस्तों किसकी जान बचाई थी तो वापस वही क्वेश्चन है थोड़ा सा पूछने का तरीका चेंज कर दिया तो यहाँ पे जो अपना राइट आंसर है दोस्तों अजीत सिंह अपना राइट आंसर हो जाएगा ठीक है अजीत सिंह की मतलब कि जान बचाई थी अपने पुत्र अपने पुत्र का नाम क्या था दोस्तों तो अपने पुत्र का नाम था दोस्तों गोंसा ठीक है गोंसा की मतलब कि बलि देकर अजीत सिंह की पालन पोषण किया और अजीत सिंह की जान बचाई यहाँ पे ठीक है नेक्स्ट देखिए इतिहासकार डॉक्टर गौरी गौरीशंकर हीराचंद ओझा ने किस राजा को कान का कच्चा राजा कहा है तो यहाँ पे दोस्तों एक इतिहासकार है जिसका नाम क्या है दोस्तों डॉक्टर ही, गौरीशंकर हीराचंद ओझा ठीक है इसने कौन से राजा को एक कान का कच्चा राजा कहा कान का कच्चा राजा कौन है दोस्तों यह है अजीत सिंह ठीक है अजीत सिंह कान का कच्चा राजा क्यों है क्योंकि ये मतलब कि अपने जो दरबारी थे जो भी मतलब कि दरबारी बात कहते हैं उनकी बात मान लेता उसकी जांच पड़ताल नहीं करता केवल मतलब कि जो कही हुई बात उसी को मान लेता इसी के चक्कर में दोस्तों अजीत सिंह ने जो अपना मतलब कि गुरु था दुर्गादास राठौड़ उसको मतलब कि देश निकाला दे दिया था इसके कारण दोस्तों इसको कान का कच्चा राजा कहा गया दोस्तों डॉक्टर गौरी शंकर हीराचंद ओझा के द्वारा ठीक है और एक मतलब कि दुर्गादास राठौड़ है दुर्गादास राठौड़ को मतलब कि कर्नल जेम्स टोड के द्वारा यूलिसियस की उपाधि दी ठीक है यूलिसियस यूलिसियस की उपाधि दोस्तों कर्नल ये अपने दुर्गादास राठौड़ को किसने दी थी कर्नल जेम्स टोड के द्वारा ठीक है और कर्नल जेम्स टोड के द्वारा तो मतलब यूलिसेस की उपाधि दी थी और दुर्गादास राठौड़ को एक और उपाधि दी गई दोस्तों वो किसके द्वारा ये मतलब कि मारवाड़ का अणबिंदिया मोती मारवाड़ का अणबिंदिया मोती दोस्तों ये दुर्गादास राठौड़ की उपाधि थी अगला क्वेश्चन देखिए सूची फर्स्ट व सूची सेकंड को सुमेलित करना है और नीचे दी गई कोट के साथ में सही उत्तर का चयन करना है ठीक है तो यहाँ पे अपन सुमेलित करते हैं तो सबसे पहले दोस्तों गागरोन का युद्ध होता है पंद्रह में ठीक है गागरोन का युद्ध कब युद होता है दोस्तों पंद्रह में राणा सांगा और महमूद खिलजी द्वितीय के मध्य ठीक है महमूद खिलजी द्वितीय और राणा सांगा के मध्य दोस्तों गागरोन का युद्ध होता है जहाँ पे विजय किसकी होती है राणा सांगा की ठीक है उसके बाद दोस्तों सारंगपुर का युद्ध है तो सारंगपुर का जो युद्ध है चौदह में होता है और ये युद्ध दोस्तों महाराणा कुंभा और महमूद खिलजी मालवा के जो शासक थे उनके मध्य ये युद्ध होता सारंगपुर का युद्ध जहाँ पे विजय किसकी होती महाराणा माराणा की तो यहाँ पे पहले में ऑप्शन नंबर पहला है दूसरे में तीसरा हो जाएगा और सुमेल का युद्ध होता है दोस्तों गिरी सुमेल का युद्ध पंद्रह में मालदेव मारवाड़ के मालदेव और शेरशाह सूरी के मध्य ठीक है जहाँ पे विजय कौन होता है शेरशाह सूरी और शेरशाह सूरी यहाँ पे क्या कहते हैं दोस्तों मैं मुठ्ठी पर बाजरे के लिए दोस्तों हिंदुस्तान की सल्तनत खो देता ठीक है तो यहाँ पे सी ऑप्शन में अपना राइट आंसर क्या हो जाएगा सेकंड और साहिबा का युद्ध कब होता है साहिबा का युद्ध होता है पंद्रह सौ इकतालीस में ठीक है पंद्रह सौ इकतालीस बयालीस में दोस्तों साहिबे का युद्ध होता है जिसमें दोस्तों मारवाड़ और बीकानेर के मध्य युद्ध होता है तो बीकानेर में दोस्तों कौन थे जेतसी ठीक है जेतसी यहाँ पे बीकानेर के राव जेतसी थे और मारवाड़ के कौन थे दोस्तों मालदेव ठीक है मालदेव और राव जेटसी के मध्य युद्ध होता है जहाँ पे मालदेव की विजय होती है जिसको अपन साहिबा का युद्ध के नाम से जानते हैं वो साहेबा का युद्ध हुआ था पंद्रह सौ में तो डी ऑप्शन में अपना चौथा ऑप्शन राइट हो जाएगा एक तीन दो चार एक तीन दो चार, तीन दो चार। पहले ऑप्शन पे अपना ऑप्शन राइट दिख रहा है एक तीन दो चार एक तीन दो चार नेक्स्ट देखिए जोधपुर के किस शासक को अकबर ने सवाई राजा की उपाधि उपाधि दी थी तो यहाँ पे जोधपुर के किस शासक को अकबर के द्वारा सवाई राजा की उपाधि दी तो यहाँ पे अपना राइट आंसर क्या हो जाएगा यह है दोस्तों राव सुर सिंह ठीक है राव सुर सिंह को मतलब कि सवाई राजा की उपाधि दी गई किसके द्वारा दोस्तों अकबर के द्वारा ठीक है और सवाई राजा मतलब कि सुर सिंह के नाम से मतलब की एकमात्र शासक है सुर सिंह राव सुर सिंह जो कि मारवाड़ा का शासक है जिसको अकबर के द्वारा सवाई राजा की उपाधि दी गई ठीक है मारवाड़ का शासक है लेकिन अपन आमेर की बात करें दोस्तों वहां पे मतलब कि लगभग लगभग सभी को सवाई राजा की उपाधि दी लेकिन मारवाड़ का तो केवल एक राव सुर सिंह है ठीक है अगला क्वेश्चन देखिए और ये सुरसिंह किसका पुत्र था दोस्तों मोटा राजा उदय सिंह मोटा राजा उदय सिंह का पुत्र था औरंगजेब और की मृत्यु तक अपने आपको स्वतंत्र रखने का प्रयास करने वाला राजपूत राज्य कौन सा था तो औरंगजेब की मृत्यु तक दोस्तों अपने आप को स्वतंत्र करने का प्रयास करने वाला राजपूत राज्य था दोस्तों मारवाड़ ठीक है मारवाड़ अपने आप को स्वतंत्र रखने का प्रयास कर रहा था और 1707 के नगर दोस्तों मतलब कि औरंगजेब की मृत्यु हो जाती है उसके बाद में जो मारवाड़ का शासक था दोस्तों क्या नाम उसका अजीत सिंह अजीत सिंह दोस्तों दुर्गादास राठौड़ के साथ में मिलकर मारवाड़ पे मतलब कि जो एक मुसलमान शासक था उसको हर मार कर यहाँ पे मेरनगढ़ दुर्ग पे कब्जा कर लेते हैं और ये दोस्तों 1707 में अजीत सिंह का यहाँ पे मतलब राज्य अभिषेक कर दिया जाता है और और सत्रह तक मतलब कि अजीत सिंह का शासन काल रहता है ठीक है सत्रह तक इसके बाद दोस्तों ये जो दुर्गादास राठौड़ था जो अजीत सिंह का साथ दे रहा था और इसको मारवाड़ का चाणक्य के नाम से भी जानते हैं जिसको मतलब देश निकाला दे दिया गया और इनके अंत में दोस्तों मृत्यु कहाँ पे होगी सिपरा नदी के किनारे मध्य प्रदेश उज्जैन में ठीक है नेक्स्ट है मुंडियार विख्यात किस राजवंश से संबंधित है दोस्तों तो आज का अंतिम क्वेश्चन है मुंडियार विख्यात किस राजवंश से संबंधित है तो मुंडियार विख्यात की बात करें दोस्तों कौन सी मतलब की, की राजवंश से संबंधित है ये दोस्तों मारवाड़ से संबंधित है ठीक है मारवाड़ से और ये जो ख्यात है विख्यात की बात करें दोस्तों यह मतलब कि संस्कृत भाषा में है मुंडियार विख्यात संस्कृत भाषा का शब्द है जिसका अर्थ होता है दोस्तों भूतकाल की घटनाओं का वर्णन करना ठीक है भूतकाल को ज्ञात करना या भूतकाल की घटनाओं का वर्णन करना दोस्तों मुंडियार अर्थ होता है ठीक है और मुंडियार विख्यात इसे दयाल द्यास की ख्यात भी कहते हैं क्योंकि दयाल द्वार के दयाल दास के द्वारा लिखी गई है और इसको दयाल दास की ख्यात या फिर मुंडियार विख्यात के नाम से भी जानते हैं ठीक है नेक्स्ट और यही थी आपकी आ, आज की वीडियो